मैंने लास्ट टाइम आपको जो करवाया था उससे मैं आपको थोड़ा सा उसको ही हम लोग वो करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन। ओके, तो लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड विथ फीमेल एनाट्रोपस ओव्यू, ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ फीमेल एनाट्रोपस ओव्यू। सो फीमेल एनाट्रोपस ओव्यूल में सपोज मैंने ये ओव्यूल बनाया था, सो आई हैड दिस एज माई बेंट एक्सिस एंड वी हैड अ डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग। नाउ दिस पोर्शन वॉज कॉल्ड एज वॉट? दिस वॉज कॉल्ड एज दी ट्यूनिकल। ट्यूनिकल था इसका नाम, या तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिक्यूलस, ट्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, क्लियर है? एंड फिर मैंने बताया था पॉइंट जहां पे ज्वाइन होते हैं। नाउ दैट पॉइंट, दिस पॉइंट जहां पे ज्वाइन होते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? क्या बताया था मैंने आपको ये, व्हाट वाज दिस कॉल्ड एज? हाइलम दिस वाज कॉल्ड एज हाइलम हाइलम। नाउ आई हैव दैट पेन, सो नो प्रॉब्लम। आपको यही प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं स्लो लिख रही थी ना। तो दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड एज द चलाजा। क्या बोलते हैं इसको? चलाजा। द ओपनिंग व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं ये ओपनिंग को? माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल। नाउ आई टोल्ड दैट दिस चलाजा इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? ए डबल लेयर, टू लेयर रहता है। क्या रहता है ये टू लेयर का? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज इंटिग्यूमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटिग्यूमेंट्स, इंटिग्यूमेंट्स विच आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, इंटिग्यूमेंट्स विच आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। दीज इंटिग्यूमेंट्स आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ दी ओव्यूल। इंटिग्यूमेंट्स क्या करते हैं? दे आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ दी ओव्यूल। हाउ मेनी इंटिग्यूमेंट्स वी हैव? वी हैव टू इंटिग्यूमेंट्स। ठीक सो ओव्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग? इट विल बी कॉल्ड एज बाय टेक्निक, यस और नो? और फिर एग्जैक्टली एट दी सेंटर, एग्जैक्टली एट दी सेंटर व्हाट वी हैव इज दी न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूसेलस। दिस न्यूसेलस इज मेड अप ऑफ डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। कौन से सेल्स है? डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। नाउ ये न्यूसेलस का और एक फंक्शन है जो मैंने नहीं बताया था। इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल। मैं ये न्यूसेलस के बारे में वापस से बताती हूँ। ये न्यूसेलस के बारे में वापस से बताती हूँ, सब कुछ न्यूसेलस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। नाउ न्यू सेलस क्या करता है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल। का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल, मतलब उससे क्या होगा? इट इज गोइंग टू मेक व्हाट? इट इज गोइंग टू मेक मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ ओव्यूल, इट इज गोइंग टू मेक जो फंक्शनल अपना मेगास्पोर आने वाला है ना, इट इज गोइंग टू मेक दैट फंक्शनल मेगास्पोर, इट इज गोइंग टू मेक दी फंक्शनल मेगास्पोर। ये आपको पता होना चाहिए न्यूसेलस के बारे में। ऑल दी सेल्स आर व्हाट? ऑल दी सेल्स आर डिप्लॉयड, ऑल दी सेल्स आर डिप्लॉयड। क्लियर है सबको? आपको कोई स्क्रीन हाइड हो रही है? आपको स्क्रीन हाइड हो रही है? यस मैम, राइट साइड की पूरी अभी अभी क्लियर है, ठीक है ना? क्लियर थैंक है। यू डियर। ओके, अभी मुझे अंदर के पार्ट्स के बारे में बताना है। ये जो न्यू सेल्स की सेल्स है ना, ये न्यू सेल्स की सेल्स को हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे शेडिंग करेंगे। आप बोलोगे बहुत लाइट बना है, हाँ ऐसे ही बनाना है। डॉटेड डॉटेड दिख रहा है आपको? ठीक है, दिस इज व्हाट न्यू सेल्स,
representing megasporangium proper of the ovule. It is made up of diploid mass of parenchyma cells. अभी क्या होता है एग्जैक्टली एट दी सेंटर मतलब सेंटर में नीचे की तरफ दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज दी एम्ब्रियो सैक. ये पूरे को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं. इसमें जो थ्री सेल्स रहते हैं कहाँ पे टुवर्ड्स दी चलाजल एंड दीज थ्री सेल्स आर कॉल्ड एज दी एंटीपोडल्स. दीज थ्री सेल्स आर कॉल्ड एज दी एंटीपोडल्स. जो थ्री सेल्स होते हैं कहाँ पे टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड द थ्री सेल्स टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड वॉट आर दी कॉल्ड एज सी. ये सेंटर में रहता है दिस इज दी एग सेल. सेंटर में क्या रहता है एग सेल एंड जो दो बाजू में रहते हैं दे आर कॉल्ड एज दी सिनर्जिड्स. सो सेंटर में वी हैव दी एग सेल एंड वी हैव टू लैटरल सेल्स विच आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स. सब लोग मिला के क्या बनते हैं एग अपैरेटस. ये सेंटर में है अपना एग सेल. This is called as the egg cell. And बाजू के जो दो cells हैं इनको बोलते हैं synergids. Synergids इसको मिला के क्या बनता है It is called as egg apparatus. क्या बनता है egg apparatus. This is called as egg apparatus. Exactly at the center what we have two polar nuclei which is fusing together. What they form? They form secondary nucleus which is also called as kya bolte hai secondary nucleus ko definitive nucleus. Secondary nucleus which is also called as definitive nucleus. Abhi wo kya hota hai diploid. Total hamare paas kya hai total hamare paas 7 cell aayenge but we'll have 8 nuclei. 7 cell and 8 nuclei. सेवन सेल कैसे थ्री प्लस वन प्लस थ्री का अरेंजमेंट है. दिख रहा है आपको ये देखो ये थ्री है ये वन है और ये थ्री है. थ्री वन और थ्री कितने हो गए सेवन सेल. कितने हो गए सेवन सेल. न्यूक्लियर कितने हैं ऊपर तीन है बीच में दो है फिर कितने हैं तीन है. तो न्यूक्लियस कितने हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास कितने आठ. क्लियर है. नाउ दिस काइंड ये दिस इज कॉल्ड एज एन एनाट्रोपस ओव्यूल. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एनाट्रोपस ओव्यूल अभी बेटर है समझने के लिए आप लोगों को. यस और नो. यस मैम. सब डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया. क्लियर है अभी ये. कोई पार्ट बाकी है कि मैं रिपीट करूं या रिवाइज करवाऊं. नो प्रॉब्लम आप बोल सकते हो. दिस टुक 10 डेज टू कम बिकॉज ऑफ दिस कोविड दे आर नॉट डिलीवरिंग थिंग्स. इस तरह के टाइम लग गया. एवरीबडी इज क्लियर. मैं नेक्स्ट पे जाऊं आप ये सबका बाद में. अभी जब मैं नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगी वो थोड़ा नीटली लिखूंगी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट. Can I move to the next topic? Please write it. Yes, ma'am. Chat box. Janvi, good morning. Okay. I'll move to the next topic. Now next topic is development of female gametophyte. हम लोग जो देख रहे हैं ना development of female gametophyte. Very important answer. हमने जब भी development of male gametophyte देखा था तो क्या देखा था उसमें. जब भी हम लोगों ने development of male gametophyte देखा था तो उसमें क्या देखा था mitotic division. नहीं पोलन ट्यूब बन रहा था विच वॉज हैविंग टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट एंड ट्यूब न्यूक्लियस. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर. सुना आप लोग ने. मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोग से. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
मिनट, ये इतना एरिया ही पूरा छुपा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ना इसको ना मैं एकदम डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, लाइक एज इन टीचिंग ऑन बोर्ड सेम टू सेम। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, सपोज वी हैव दिस एज द, सपोज वी हैव दिस एज द ओव्यूल, सपोज वी हैव दिस एज द ओव्यूल, ये अपने पास ओव्यूल है सपोज, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ओव्यूल है। सो ये जो ओव्यूल है ना, ये जो ओव्यूल है, स्मॉल सेल ऑफ द ओव्यूल विच इज टुवर्ड्स दिस एंड, कौन सा एंड है, दिस इज टुवर्ड्स विच एंड, चलाजल एंड। अ स्मॉल सेल ऑफ द, हम लोग क्या बोलेंगे, अ सेल ऑफ द ओव्यूल टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, व्हाट इज दिस फंक्शन एज, दिस इज फंक्शनिंग एज आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम। एंड दिस इज, देखो एक सेल है कहाँ पे, दिस इज द सेल टुवर्ड्स द, दिस इज द सेल टुवर्ड्स द विच एंड, माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस इज फंक्शनिंग एज, इसकी तरह फंक्शन कर रहा है आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम वर्ड का मतलब क्या होता है, फीमेल सेल, एंड दिस आर्किस्पोरियम इज गोइंग टू फंक्शन एज, बाद में ये आर्किस्पोरियम जो है ना, ये आर्किस्पोरियम, दिस इज गोइंग टू फंक्शन एज एम एम सी। एम एम सी का मतलब आएगा यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। मैं ना इसका आंसर लिखती हूँ, अभी तक जो मैंने बोला उसका आंसर है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल टुवर्ड दी, डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल, डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल क्यों बोल रहे हैं, नीचे है और उस सेल के सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस, ऑफ न्यूसेलस, डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल किसका, ऑफ दी न्यूसेलस, टुवर्ड दी, टुवर्ड दी डिप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूसेलस टूवर्ड्स, टूवर्ड्स चला, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, सॉरी टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, जो नीचे एंड है ना, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। इट फंक्शंस एज, वो डिफरेंशिएट होता है, वो डिफरेंशिएट होता है, गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म आर्किस्पोरियम। क्या डिफरेंशिएट होकर फॉर्म करता है, आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम, दिस आर्किस्पोरियम क्या होता है, फंक्शंस एज, दिस आर्किस्पोरियम फंक्शंस एज एमएमसी, इसकी तरह फंक्शन करता है एमएमसी। अभी मुझे इसको सिखाने दो, मैं ऑब्वियसली थोड़ा आप लोग को एक्स्ट्रा ही सिखा रही हूँ, बाद में आपको मैं इसका वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका रेडी है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करता है विच इज डिप्लॉयड। अभी इसका मतलब क्या है, वी हैड अ डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल किसका, ऑफ द न्यूसेलस, द सेल वॉज ऑफ द न्यूसेलस एंड टूवर्ड्स विच एंड, इट वॉज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वो किसकी तरह फंक्शन करता है, इट इज फंक्शनिंग एज, पहले वो डिफरेंशिएट होता है और बनता है आर्किस्पोरियम, मतलब फीमेल सेल, मेच्योर सेल बनता है, और बाद में वो फंक्शन करता है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अभी आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, दिस मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस, दिस मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। जब ये मियोसिस करेंगे तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस, तो मियोसिस के बाद कैसा दिखाई देगा वो देखो, when it is going to undergo meiosis, so what we will see is, हम लोग को फोर सेल्स मिलेंगे, एक के कितने हो जाएंगे, चार सेल्स हो जाएंगे, from one we will have four cells, and how will be those four cells, those four cells will be arranged in a linear tetrad, and those four will be haploid cells, वो चार कैसे रहेंगे, haploid cells, so ये four क्या होंगे, these are four haploid megaspores,
What are these? These are four haploid megaspores. Four haploid megaspores, which are arranged in a linear tetrad. कैसे अरेंज है? लीनियर टेट्राड में अरेंज है. दे आर अरेंज इन अ लीनियर टेट्राड. दिस मेगास्पोर मदर सेल वाज डिप्लॉयड. दिस मेगास्पोर मदर सेल वाज डिप्लॉयड. इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस. एंड मियोसिस होने के बाद क्या होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर्स. इतना समझा? इसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? दिस मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म फोर haploid megaspores. ये four haploid megaspores कैसे अरेंज रहेंगे? इन अ लीनियर टेट्राड. कैसे अरेंज रहेंगे? इन अ लीनियर टेट्राड. लीनियर टेट्राड का मतलब क्या है? लाइन में अरेंज रहेंगे, लाइन में. उसमें अभी आगे क्या होगा वो देखिए. क्या यहाँ तक समझ आएगा सबको? कैन आई इरेज दिस? थोड़ा मैं इरेज कर सकती हूँ? आप लोगों ने पेन और पेपर रखा है साथ में? आपने आप लोग ने अपने साथ पेन और पेपर रखा है? बुक पेन जो भी है. यस मैम. आप लोग ने ये जो दो तीन लाइन से ये कॉपी डाउन कर दिया, इतना सा कॉपी करो ना. मैं इतना सा पार्ट रफ करने वाली हूँ. ये जो इधर मैंने मार्क किया, इतना सा पार्ट मैं रफ करने वाली हूँ. रिमेनिंग पार्ट आई एम गोइंग टू कीप. वो डायग्राम रखने वाली हूँ. ये डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल था कहाँ? किसका? ऑफ दी न्यूसेलस. टुवर्ड्स विच एंड? टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड. वो क्या बनता है? इट गेट्स डिफरेंशिएटेड. वो क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है टू फॉर्म आर्किस्पोरियम. दिस आर्किस्पोरियम फंक्शंस एज एमएमसी विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल. सो दैट इज डिप्लॉयड. वो डिप्लॉयड है. इट इज गोइंग टू अंडरगो वॉट? इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस एंड इट इज गोइंग टू फंक्शन एज मियोसिस. अंडरगो करने के बाद क्या होगा? It is going to form four haploid megaspores, which are going to get arranged in a linear tetrad. कैसे arrange रहेंगे? In a linear tetrad. हो गया? अभी आगे बढ़ू? Yes ma'am. Yes ma'am. अभी आगे देखो, इसका ये होगा. ये जो उसमें चार cells है ना, उसमें से ना लोअर थ्री ना डी जनरेट होने वाले हैं. ओनली द वन टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड विल रिमेन फंक्शनल. मतलब नीचे के ऊपर के तीन ना डी जनरेट होने वाले हैं, खाली लोअर वन फंक्शनल रहने वाला है. एंड दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर. आई एम इरेजिंग. टाइम लग रहा है. तो अभी क्या होगा? देखो आगे, अभी इसमें ना हम लोग ये बोलने वाले हैं. इसमें क्या होने वाला है? इसमें से जो अपर थ्री है ना, वो डीजेनरेट हो जाएंगे. ओनली द लोअर वन विल रिमेन फंक्शनल एंड दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर. सो ये ऊपर के तीन ना डीजेनरेट हो गए. देखो ये ऊपर के तीन डीजेनरेटिंग. सो दीज थ्री आर कॉल्ड एज डीजेनरेटिंग मेगास्पोर. इनको क्या बोलेंगे हम लोग? डी जनरेटिंग मेगास्पोर. ये डी जनरेट हो जाएंगे. डी जनरेटिंग मेगास्पोर. ओनली द लोअर वन विल रिमेन फंक्शनल. ये जो लोअर वन है ना, दिस विल इज कॉल्ड एज फंक्शनल एंड दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर. क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल मेगास्पोर. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर, इसको आप क्या बोलोगे? देखो, अपर थ्री मेगास्पोर आर गोइंग टू डी जनरेट. Only the lower one is going to remain functional and that is called as the functional megaspore. क्या बोलते हैं उसको? That is called as the functional megaspore. Now this functional megaspore is going to enlarge in size. It is going to enlarge in size. It is going to enlarge in size. अभी क्या होगा इसमें? It is going to undergo three successive. It is going to undergo three successive.
न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, थ्री सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, थ्री सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, उससे क्या होगा वो देखते हैं अभी हम लोग। उससे ना हम लोग ये बोलेंगे सबसे पहले डिवीजन से क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन से हम लोग ये बोलेंगे दैट वील हैव टू न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन से वील हैव, देखो ये बनाया मैंने फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस इज दी फंक्शनल मेगास्पोर विच हैज एनलार्ज इन साइज, दिस इज दी फंक्शनल, आई एम नॉट येट हैबिचुअल, अभी नेक्स्ट टाइम से हैबिट हो जाएगी मुझे इसको यूज करने की। फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर, दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज गोइंग टू एनलार्ज इन साइज एंड इट इज गोइंग टू अंडरगो प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अभी देखो फर्स्ट डिवीजन के बाद वील हैव टू न्यूक्लियस, फर्स्ट डिवीजन के बाद टू न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, वन प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड डिवीजन के बाद क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म फोर न्यूक्लियस, थर्ड डिवीजन के बाद क्या होगा बोलो, थर्ड न्यूक्लियस, थर्ड डिवीजन के बाद कितने होंगे बोलो, एट, वेरी गुड, एट हो जाएंगे, फोर फोर एट ईच पोल, थर्ड डिवीजन के बाद वील हैव एट, फोर फोर एट ईच पोल, थर्ड डिवीजन के बाद वील हैव एट विच इज फोर फोर एट ईच पोल। अभी उसमें से क्या होता है, उसमें से हम लोग बोलेंगे वन वन न्यूक्लियस कम्स एट दी सेंटर, एक एक न्यूक्लियस है ना वो किधर आता है, सेंटर में आता है, वन वन न्यूक्लियस कम्स एट दी सेंटर, रिफ्यूज टू फॉर्म, देखो ये वन वन न्यूक्लियस है, दोनों में से ना वन वन पोलर न्यूक्लियस कम्स एट दी सेंटर, रिफ्यूज टूगेदर टू फॉर्म दी सेकेंडरी न्यूक्लियस, फिर इधर कितने बचे, तीन बचे, इधर भी कितने बचे, तीन बचे, लेटर क्या होता है उसमें, उसमें लेटर विल से डिफरेंशिएशन इज टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन इज टेकिंग प्लेस, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड जो थ्री सेल्स फॉर्म होते हैं ना, थ्री सेल्स फॉर्म होते हैं कहाँ पे, टूवर्ड दी माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस द थ्री सेल्स टूवर्ड दी स्टेलाजल एंड आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, whereas these cells are called as synergids and they are called as egg apparatus, ये अपना egg cell है, इन दोनों को मिला के क्या बना था अपना egg apparatus, and center में क्या था, at the center what we had was the secondary nucleus, तो आपको क्या क्या समझ में आया, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी सुनो, फर्स्ट पॉइंट ओके चैट बॉक्स में लिखो एटलीस्ट कितने लोगों को समझ में आया है, चैट बॉक्स में प्लीज लिखो कितने लोगों को समझ में आया, आई वांट पीपल टू राइट इट इन द चैट बॉक्स, ओके नाजरीन, लीनियर टेट्राहेड के बाद वाला नहीं समझा, सना कैन यू अनम्यूट योर माइक डियर, यस मैम, सबसे पहले क्या था, अ स्मॉल अ डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल, किसका भी न्यू सेल, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म, आर्किस्पोरेंजियम, आर्किस्पोरियम है वो, आगे आगे आर्किस्पोरियम फंक्शन एज द मेगास्पोर्स मदर सेल, वेरी गुड, फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस, इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस, और फिर क्या होगा, स्पोर एंड मेगास्पोर्स फॉर्म होगा, और जो जो लीनियर टेट्राड व्हिच आर गोइंग टू गेट अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राहेड में अरेंज रहेंगे, अभी लीनियर टेट्राहेड में अरेंज के बाद क्या बताया मैंने, उसमें से क्या होता है अपर थ्री,
अपर थ्री भी जनरेट हो जाते हैं एंड लोअर, जो लोअर वाले रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, फंक्शनल। जो अपर थ्री डी जनरेट होते हैं, अपर थ्री डी जनरेट होते हैं, लोअर वन कहाँ पे, टुवर्ड्स द माइक्रोपेलर एंड रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर। जो अपर थ्री है ना वो गायब हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, जो लोअर वाला है ना वो फंक्शनल रहता है, विच इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर, विच इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाता है, देखो फंक्शनल मेगास्पोर लोअर वाला है, राइट, ये सुनो, वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाता है फिर, एनलार्ज इन साइज हो जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाता है, एनलार्ज इन साइज। फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाता है, एनलार्ज इन साइज। यहाँ तक समझा, फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, एनलार्ज होगा इन साइज। उसके बाद में वो क्या अंडगो करेगा, थ्री सक्सेसिव थ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, थ्री सक्सेसिव थ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, थ्री सक्सेसिव थ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। पहले डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लियस बनेंगे, टू न्यूक्लियस। सेकेंड डिवीजन के बाद फोर, थर्ड के बाद एट, चार चार न्यूक्लियस एक एक पोल की तरफ रहेंगे, फोर न्यूक्लियस आर टुवर्ड्स ईच पोल। उसके बाद में क्या होगा, वन वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, दे आर गोइंग टू कम एट दी सेंटर एंड दे आर गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दिख रहा है आपको, चार चार न्यूक्लियस एक पोल की तरफ आ गए, हियर वी हैव फोर न्यूक्लियस एंड हियर वी हैव फोर न्यूक्लियस टुवर्ड्स ईच पोल। उसमें से क्या होगा, वन वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल इज गोइंग टू कम एट दी सेंटर, इट इज गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो वन वन न्यूक्लियस है ना वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा एंड इट इज गोइंग टू फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस। क्या होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस। होता क्या है देखो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक खाली न्यूक्लियस थे ना, अभी क्या होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंसिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंसिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। जो थ्री सेल्स रहेंगे कहाँ पे, टुवर्ड्स दी ऊपर चलाजल एंड, ये चलाजल एंड के थ्री सेल्स है ना, ये डिफरेंशिएट होके क्या बन जाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी एंटीपोडल्स, वेर एज द थ्री सेल्स कहाँ पे, टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड, वॉट आर दे गोइंग टू फॉर्म, दे आर गोइंग टू फॉर्म वॉट, एग अपैरेटस, जिसमें सेंट्रल एग सेल है और टू लैटरल क्या है, सिनर्जिड। सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियर आके फ्यूज हुए थे उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसका दूसरा नाम और क्या बताया था मैंने, याद करो, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ये सुनो, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। कितने लोग को समझा है, सुमित पाल समझा तुझे अभी, सुमित पाल? जितने लोग को समझा चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में आया? हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट पीपल टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। नाजरी लिखा है, जानवी ने लिखा है, जानवी ने भी नहीं लिखा है, सॉरी। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई लिख ही नहीं रहा है चैट बॉक्स में, वापस समझाऊं? यश पवार ने लिखा है, और नहीं लिखा है किसी ने भी, जानवी ने लिखा है, जय ने लिखा, अभी एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। वी हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस अगेन।
we'll start with a small cell kiska of the a diploid hypodermal cell kiska of the nucellus. A diploid hypodermal cell of the nucellus कहाँ पे towards the micropylar end gets differentiated to form archiesporium. क्या differentiate होके बनता है archiesporium. This archiesporium ये क्या function करता है, it functions as MMC. Archiesporium किसकी तरह function करता है as MMC. MMC का मतलब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल. क्या होगा मेगास्पोर मदर सेल. ये जो मेगास्पोर मदर सेल रहने वाली है ना, हाउ इज गोइंग टू बी दैट, दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. ये डिप्लॉयड रहेगी एमएमसी. बाद में क्या होगा, दिस डिप्लॉयड एमएमसी इज गोइंग टू अंडरगो व्हाट, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, गर्दन हिला भी रही हूँ तो हो रहा है. It is going to function as, किसकी तरह function करेगा, it is going to function as MMC and now it is going to undergo, क्या undergo करने वाला है, it is going to undergo meiosis and meiosis करने के बाद ये एक के क्या क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे. तो देखो चार बने, एक दो यहाँ पे तीन यहाँ पे चार, so we'll have four MMC which are getting arranged कैसे, in a linear tetrad. चार MMC है, चार मेगास्पोर है, फोर मेगास्पोर विल हैव, फोर मेगास्पोर विच आर अरेंज कैसे, इन अ लीनियर टेट्राड, इन अ लीनियर टेट्राड, आउट ऑफ विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आउट ऑफ विच विल हैव द लोअर थ्री. जो लोअर थ्री है ना, दोज आर गोइंग टू डी जनरेट, द लोअर थ्री आर गोइंग टू डी जनरेट, ओनली द वन टूवर्ड्स द, कौन सा एंड विल रिमेन फंक्शनल, बोलो माइक अनम्यूट करके बोलो. लास्ट वाला मैम, अपर थ्री आर गोइंग टू डीजेनरेट, ओनली द लोअर वन. लोअर वन मतलब कहाँ पे, टुवर्ड्स दी, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर, रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर. और बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे. ये सब हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट हो जाएंगे. दिस इज गोइंग टू डीजेनरेट, ओनली द lower one towards the micropylar end will remain functional. What is that called as? That is called as functional megaspore. This functional megaspore is going to enlarge in size. Ye functional megaspore kya hai? It is the first cell of female gametophyte. The first cell hai kiska, of the female gametophyte. It is going to enlarge in size. It is going to enlarge in size. Enlarge in size and kya undergo karega, it is going to undergo three successive pre-nuclear mitotic division. Three successive pre-nuclear mitotic division. Three successive pre-nuclear mitotic division. So what we will see is, after the first division we'll have two nuclei. ये फर्स्ट डिवीजन के बाद है, वील हैव टू न्यूक्लियर. आफ्टर दिस सेकेंड डिवीजन वील हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर, वील हैव फोर न्यूक्लियर. आफ्टर द थर्ड डिवीजन वी आर गोइंग टू हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर, वी आर गोइंग टू हैव एट न्यूक्लियर. फोर न्यूक्लियर आर अरेंज्ड एट ईच पोल. चार चार न्यूक्लियस कैसे अरेंज रहेंगे एट ईच पोल, जिसमें से एक एक न्यूक्लियस कहाँ पे आएगा, सेंटर के पास आएगा. वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम्स एट द सेंटर, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस. लेटर ऑन वील हैव डिफरेंशिएशन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस. जो डिफरेंशिएशन अंडर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म वॉट, द थ्री सेल्स टुवर्ड्स द थ्री सेल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड विच आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल. द थ्री सेल्स टुवर्ड्स द सेंटर दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस
or they will be called as definitive nucleus. While exactly at the center we have the egg cell and two lateral cells which are called as the synergid. Kya bolte usko? Synergid, which together make the egg apparatus. Kya banate hain? Egg apparatus. So what we can say is ये जो development था, this development is क्या था ये endosporic. The development is endosporic and it is monosporic. Endosporic और monosporic ऐसा क्यों बोल रहे हम लोग इसको? Endosporic because जो भी development हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? Inside the megaspore. The development has occurred कहाँ पे? Inside. डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? इनसाइड मेगास्पोर हुआ है. इनसाइड मेगास्पोर. एंड व्हाई मोनोस्पोरिक? बिकॉज देयर वाज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर. बिकॉज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर वाज देयर. ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर वाज देयर. डेवलपमेंट इनसाइड द मेगास्पोर हुआ है एंड देयर वाज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर. सो क्या बोलेंगे? इट इज मोनोस्पोरिक. एंडोस्पोरिक और कैसा है डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक. चार मेगास्पोर थे बट उसमें से फंक्शनल कितना रहा? एक. सबको समझा है जो मैंने बनाया अभी स्क्रीन पे? यस मैम. यस मैम. आपको पता है पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? बाकी लोग चैट बॉक्स में तो लिख सकते हैं. देयर आर 59 पार्टिसिपेंट्स बट बोल रहे पांच लोग उसमें से. बहुत खिचड़ पिचड़ कर दिया ना मैंने एक ही साइड पे. मैंने इसको एक ही साइड पे पता क्यों रखा है? बिकॉज ये आपको बाद में पढ़ना ही इजी हो जाएगा. ओके, कैन आई चेंज नाउ प्लीज? यस मैम. इसका आंसर देखिए अभी. यस मैम. ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल जो है ना, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या अंडरगो करती थी? मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो, जिन्होंने डायरेक्ट मियोसिस से गया टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लोइड सेल्स. वो लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लोइड सेल्स को क्या बोलते हैं? मेगास्पोर. जिसमें से ऊपर के थ्री, अपर थ्री क्या हो जाते हैं? डी जनरेट. वाइल दी वन lowest one towards the center of the nucleus remains functional. अभी इसको क्या बोलते हैं? This is called as the functional megaspore. This is called as the functional megaspore. This functional megaspore जो है ना, ये क्या करता है? ये enlarge in size and this is the first cell. किसका first cell है? Of the female gametophyte. जनरली टूवर्ड दी सेंटर वाला, मतलब जो चार दिख रहे थे ना उसमें जो सबसे लोएस्ट वन है ना, दैट इज टूवर्ड दी सेंटर. इट इज दी फर्स्ट सेल ऑफ दी फीमेल गैमेटोफाइट. क्या है? इट इज दी फर्स्ट सेल ऑफ दी फीमेल गैमेटोफाइट. इट अंडरगोस, क्या अंडरगो करता है? थ्री सक्सेसिव, ये वर्ड दिख रहा है आपको? थ्री. It is undergoing three successive free nuclear mitotic division. इस three word दिख रहा है? three successive free nuclear mitotic division. three successive free nuclear mitotic division. उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम लोग बोलेंगे, इन्होंने कुछ भी details में नहीं बोला, एकदम shortcut में बोला है. मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट डिवीजन के बाद टू न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन के बाद फोर न्यूक्लियस, थर्ड डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लियस है? एट न्यूक्लियस. फोर न्यूक्लियस आर अरेंज कहाँ पे? टूवर्ड्स ईच पोल. चार न्यूक्लियस कहाँ पे अरेंज है? टूवर्ड्स ईच पोल. सो टोटल देयर इज एट न्यूक्लियस. टोटल कितने न्यूक्लियस है? एट न्यूक्लियस है. फोर आर अरेंज एट ईच पोल. वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कहाँ पे आता है? टूवर्ड्स दी सेंटर. एंड वो फ्यूज होने के बाद क्या बोलेगा? दैट इज कॉल्ड एज दी पोलर न्यूक्लियर. वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल दे फ्यूज एट दी सेंटर और क्या बनता है? पोलर न्यूक्लियर. जो थ्री न्यूक्लियर है टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड,
दैट इज कॉल्ड एज द एग अपैरेटस. उसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल एग सेल होता है. व्हाट इज देयर, लार्ज सेंट्रल एग सेल है एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स. सिनर्जिड में ये मैंने नहीं पढ़ाया, जो सिनर्जिड होता है ना, सपोज मैंने ये बनाया, देखो ये अपना एग सेल बना, दिस इज द एग सेल. ये जो सिनर्जिड्स है ना, दीज आर दी सिनर्जिड. अब ये सिनर्जिड्स के अंदर ना ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, दीज आर फिंगर लाइक सेल्स. सपोज ये सिनर्जिड का सेल है, इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. व्हाट आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं उसको. उसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस विच गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग सेल. क्या करता है, गाइड करता है कि इसको पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द एग सेल. It is guiding the pollen tube कहाँ पे, towards the egg cell. Is it clear? हमने बोला जो the one which is towards the micropylar end, what is that called as egg apparatus. जिसमें central क्या रहता है, central we have the egg cell and what we have is two lateral synergids. और फिर बाद में क्या होता है, वो synergids में कौन सा apparatus है, that synergids has got filiform apparatus which is guiding the pollen tube कहाँ पे, towards the egg. Antipodals कौन से cells हैं, three cells which are present कहाँ पे, towards the chalazal end. Antipodals are the three cells which are present towards the chalazal end. Antipodals are the three cells which are present towards the chalazal end. उसके बाद में क्या बोलेंगे हम लोग, the two haploid polar nuclei जो रहते हैं इसके of the last central cell. वो फ्यूज होकर क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. जो सेंटर में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, या तो उसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस. डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस. डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेटिव न्यूक्लियस. तो अभी टोटल सेल कितने हो गए अपने पास, सेवन सेल है और न्यूक्लिया कितने अपने पास, एट. Eight nucleated structure, seven cell and eight nucleated structure is called as what? Is called as embryo sac. अगर मैंने पूछा नाज़रीन आप embryo sac explain करो, क्या करोगे आप explain? नाज़रीन explain embryo sac. Seven cells and eight nucleus is called embryo sac. नहीं ऐसा नहीं, अच्छे से explain करो embryo sac. सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियोनिक सैक. नहीं बेटा, मुझे ये जानना था जो चलाजल एंड पे जो सेल्स है ना उनको क्या बोलते हैं. चलाजल एंड पे जो सेल्स है दोज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स. दोज आर कॉल्ड एंटीपोडल्स. चलाजल एंड के सेल्स है ना उनको एंटीपोडल्स बोलते हैं. और फिर जो माइक्रोपाइलर एंड के सेल्स है ना उनको एग अपैरेटस बोलते हैं, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एग सेल एंड जो टू लैटरल है उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड. टू लैटर को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड. सो और सेंटर में क्या होता है, टू पोलर न्यूक्लियस यूज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस. टोटल हाउ मेनी सेल्स वी हैव, सेवन सेल एंड वी हैव एट न्यूक्लियस. सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस ऐसा एक्सप्लेन करता फुल डिटेल्स में. आई कैन सी सो मेनी पीपल हैव चेंज देयर पेजेस. लेट मी उनके नाम बोलने दो मुझे, आई वुड बी इन्फॉर्मिंग द कॉलिंग करवाती हूँ पेरेंट्स से. देर आर एक्चुअली 14 पीपल हु हैव चेंज्ड देयर पेजेस एंड दोज आर अमान शेख, आविष्कार, अपूर्व पाटिल हैज चेंज्ड. अपूर्व, तेरा माइक अनम्यूट किया है मैंने. अपूर्व पाटिल स्लीपिंग, आविष्कार हर्ष श्रीवास्तव. अब उसको पता भी नहीं उसका पेज चेंज है. कौस्तुभ प्रभु, कौस्तुभ प्रभु तुमने कौन सा पेज ओपन किया था अभी, कौस्तुभ प्रभु.
उसको अभी तक नहीं पता, मैंने उसको मायका नहीं किया। निखिल नकती, ओम थोराट, रेचल, तन्वी कदम इज ऑल्सो चेंज द पेज। तन्वी कदम, तन्वी अलग कदम, तन्वी पारा कदम, तन्वी ये तर काय जॉब आज पूजेचं सामान भरायला घेतलं तो बिल तो बिलच ना, तर किती झालेल ग बिल 16-17 हजार म्हणजे ना फक्त ती मागची वाईट बोललेली आम्ही टाकतो टाकतो टाकतो। तन्वी कदम, तन्वी कदम की आवाज है क्या? तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, अपूर्व पाटिल, अपूर्व, अपूर्व कभी तेरा माइक अनम्यूट सुनूंगी नहीं मैं फ्यूचर में, वो जवाब नहीं दिया तो करना मत कभी आ भाई आगे से अनम्यूट, मैं तुझे म्यूट कर रही हूँ अभी। सो बैड गणेश नेगी, आपको आंसर समझे? गणेश नेगी हेलो, हाँ गणेश नेगी आपको समझा आंसर ना? हेलो मैम, हाँ बेटा आपको समझा आंसर अच्छे से? आपको आंसर अच्छे से समझा है? हेलो सुनाई दे रहा है मुझे? गिरजा तेली आपको समझे? यस मैम। ओके मोनोस्पोरिक वर्ड का मीनिंग बताओ हम लोग को गिरजा। मोनोस्पोरिक वर्ड क्यों आया? बिकॉज अपने पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था ना, सिंगल मेगास्पोर है। ओके एंड जो डेवलपमेंट है वो एंडोस्पोरिक की है? एंडोस्पोरिक बिकॉज जो भी डेवलपमेंट हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ दी फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ दी फीमेल गैमेटोफाइट इट इज टेकिंग प्लेस विद इन दी मेगास्पोर, कहाँ पे हो रहा है? विद इन दी मेगास्पोर। सो मैंने जो आंसर लिखवाया था वो ज्यादा अच्छा है ना इन लोगों ने देने से? अच्छा किसी ने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कॉपी किया था क्या? एनीबडी एनीबडी हैड कॉपी दी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन? A diploid hypodermal cell of immunocellular stored the microfiler in. Yes, ma'am, kiya. Kiya hua hai. Bahut acha kiya hai doctor. Can I move to the next abhi? Yes, yes, ma'am. जो अपना next concept आने वाला है that is about pollination. आप लोग को अगर चाहिए होगा तो यू ऑल कैन राइट इट और एज विद अलोंग विद मी वो भी चलेगा एक्चुअली में। अभी तो मैं तो लाइक इट्स लाइक अ बोर्ड मूवी। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनेशन। सो व्हेन वी सी द वर्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? दिस इज माय नोटबुक का पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? सपोज ओवर हियर वी हैव द स्टिग्मा, ये अपने पास स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी। सो हियर वी हैव द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। सो अभी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर किसका ट्रांसफर होगा? पोलन ग्रेन्स का। देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। किसका ट्रांसफर होगा? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। कहाँ से? फ्रॉम दिस एंथर टू स्टिग्मा। दीज आर कॉल्ड एज एंथर, दिस इज कॉल्ड एज एंथर, एंड एंथर से किसका ट्रांसफर होगा? पोलन ग्रेन्स का। सो दीज पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग ट्रांसफर ओवर हियर। सो क्या दिख रहा है आपको? देर इज ट्रांसफर ऑफ किसका? पोलन ग्रेन्स।
there is transfer of pollen grain. So definition हम लोग क्या बोलेंगे, it is the transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, anther to stigma. उसको क्या बोलते, that is called as pollination. क्या बोलते उसको, pollination. This pollination is very important. Pollination is very important and it is prerequisite. It is prerequisite for fertilization. क्यों? Because जो pollen grains रहते हैं ना, pollen grains वो non motile रहते हैं. Pollen grains कैसे रहते हैं, they are non motile. अपने आप चल के नहीं आ सकते स्टिग्मा के पास, ना ही फीमेल मोटाइल है. दोनों भी क्या रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं. जो मेल और फीमेल दोनों भी गैमेट्स है ना, हाउ आर दे आर नॉन मोटाइल. सो ये पॉलिनेशन बहुत जरूरी है. इसमें किसका ट्रांसफर होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, जहाँ से हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा then we will not get the fusion of male gamete with the female gamete. इतने लोगों को समझा what is pollination? Hello ma'am. Yes बेटा. Ma'am prerequisite का मतलब क्या है? Prerequisite मतलब compulsory, जो उसके बगैर हम लोग बोलेंगे वो नहीं होगा, pollination नहीं होगा ना. Prerequisite मतलब fertilization के लिए जरूरी है, compulsory, mandatory, obligatory. ओके मैम. क्यों हो गया सबका, आप लोग साथ ही साथ लिख रहे हो? यस मैम. तो आपको ये समझा आंसर से क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ऑन दी स्टिग्मा. कैन आई मूव अहेड, मैं आप लोग को दिखाती हूँ. The transfer of pollen grain from anther to stigma is nothing but pollination. It is prerequisite of pollination. I'm sorry, it is prerequisite of fertilization. Fertilization के लिए prerequisite है, क्यों बोला? Because उसके बगैर हम लोग बोलेंगे there is, उसके बगैर possible नहीं है. क्या possible नहीं है उसके बगैर? Fertilization. फर्टिलाइजेशन उसके बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे हैं, बोथ ही मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल. सो फर्टिलाइजेशन के लिए कंपलसरी, इट इज प्रीरिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज बोथ ही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल. अभी दो टाइप के पॉलिनेशन है, कौन से दो टाइप के पॉलिनेशन है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? आप एक मिनट स्क्रीन की तरफ देखो, मैं एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ. तो पॉलिनेशन के दो टाइप्स, मैंने आप लोग को म्यूट किया था, सॉरी. पॉलिनेशन के टू टाइप्स कह रहा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है वो मैं बता रही हूँ. सेल्फ मतलब क्या होता है, सेम प्लांट, सेम प्लांट रहेगा तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. एंड दूसरा प्लांट रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन. आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझा. सपोज ये मैंने एक प्लांट बनाया, देखो दिस इज माय प्लांट ए, ठीक है, उसमें ये फ्लावर्स है, ठीक है. इसमें अभी क्या होगा, दिस इज फ्लावर नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री. अभी वन से वन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर भी हो सकता है, नेबरिंग फ्लावर भी हो सकता है. इट कैन बी इन द सेम फ्लावर और इट कैन बी इन द नेबरिंग फ्लावर. वापस इतने सारे लोगों का पेज चेंज है, मैंने फोटो ही निकाल दिया, मैं मैम को भेजूंगी. देयर आर 14 पीपल हु हैव चेंज्ड देयर पेजेस, आई डोंट नो फॉर व्हाट. ये चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में. सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, आई इट इज इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर में होगा और इट इज ऑन द डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ दी सेम प्लांट. मतलब ये ए है ना, ये ए से ए में होगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. अगर ये बाजू वाले फ्लावर के पास आया, देखो बाजू वाले फ्लावर के पास, तो
भी इसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे कि वजह से हमने सेम प्लांट, सेम प्लांट में क्या ऑप्शन है बताओ, सेम प्लांट में क्या ऑप्शन है हमारे पास, इट कैन बी इन द सेम फ्लावर और इट कैन बी इन द, इट कैन बी इन द सेम फ्लावर और इट कैन बी इन द नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. सो सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वी हैव ऑप्शन, इट कैन बी इन द सेम फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर. अच्छा मैं इसको लिखवा दूं क्या, आई थिंक वही बेटर रहेगा. देखो मैं ये लिखवाऊंगी ना तो बेटर रहेगा, सुनो मैं अच्छा डेफिनेशन लिखवा दूं आपको. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मैं पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ, ठीक है. रेड कलर ठीक है, चेंज करो इनका कलर. ठीक है मैम. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में फर्स्ट वी हैव सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट वी हैव सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द स्टे ऑन द सेम फ्लावर और ऑन द नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. इट इज गोइंग टू बी इन द सेम फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. इट विल बी ऑफ द क्या होगा, ऑन द सेम फ्लावर, ऑन सेम फ्लावर कैसा होगा, सेम फ्लावर होगा और नेबरिंग फ्लावर क्या हो जाएगा, और नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट. यहाँ पे सेम प्लांट वर्ड इज इम्पोर्टेंट, सेम प्लांट. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इफ दिस इज आर प्लांट, ठीक है, इसमें ये ए फ्लावर है, दिस इज द बी फ्लावर. सो पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम ए टू ए और इट कैन बी फ्रॉम ए टू बी. सो दिस विल बी कॉल्ड एज सेल्फ बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी, कैसे होगा, इट इज प्रेजेंट इन दी सेम फ्लावर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ. जबकि सेकेंड पॉलिनेशन कौन सा होता है, क्रॉस. सेकेंड पॉलिनेशन इज द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें ना ये सेंटेंस सेम आएगा. कौन सा सेंटेंस, ट्रांसफर किसका हो रहा है, पोलन ग्रेन. इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पीजी का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. कैसे होगा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट प्लांट. क्या होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज. कैसे बिलोंगिंग करेगा, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, और डिफरेंट स्पीशीज. मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ. देखो कि अगर हमारा प्लांट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, दिस वॉज प्लांट नंबर वन, यहाँ पे दिस इज आर प्लांट नंबर टू, ये फ्लावर नंबर थ्री है, ये प्लांट नंबर वन है, ये प्लांट नंबर टू है, ठीक है. सो अगर ये ए से ये सी में आया तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, डिफरेंट, दे आर डिफरेंट प्लांट हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट बट ऑफ दी सेम स्पीशीज. डिफरेंट प्लांट है बट वॉट इट इज, इट इज ऑफ दी सेम स्पीशीज. द प्लांट इज डिफरेंट बट ऑफ दी सेम स्पीशीज. बट अगर मैंने यहाँ पे बनाया, देखो, बट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर अनदर प्लांट, मैंने बनाया, ये देखो ये कौन सी स्पीशीज का दिख रहा है, दिस इज ऑफ दी अनदर स्पीशीज, जिसको मैंने नाम दिया ई नाम दिया. सो दिस इज ऑफ अनदर स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज है, अनदर स्पीशीज. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा टाइप है. अभी ना इसमें हम लोग को और एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप लोग मैं वो बेसिक लिख लिया होगा, मतलब क्या बोला मैंने, सेम फ्लावर में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम फ्लावर में रहेगा या नेबरिंग फ्लावर में रहेगा तो क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. जब दूसरा प्लांट रहेगा
तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन है सेम स्पीशीज रहेगा, या तो क्या रहेगा डिफरेंट स्पीशीज, या तो सेम स्पीशीज रहेगा या तो क्या रहेगा डिफरेंट स्पीशीज। अभी ना इनमें ना दो टाइप हम लोगों को पढ़ने हैं, एक्चुअली दो नहीं ज्यादा टाइप है, ध्यान से सुनो। ये इतना नीचे का पार्ट में रख कर इसके आगे का कंटिन्यूएशन लिख रही हूँ, इसके आगे का कंटिन्यूएशन। I'm sorry, this is taking time to erase. Hello, ma'am. Yes, dear. Ma'am, prerequisite का मतलब फिर से बताओ ना। Fertilization के लिए ये event compulsory है। क्या pollen grain का transfer होगा? जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन में prerequisite। क्या बोलेंगे prerequisite का मीनिंग कर दिया? कंपलसरी। यस जी। अभी ना इसमें हम लोग टाइप देखने वाले हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में कौन से टाइप्स आएंगे देखते हैं, ठीक है? नाउ सेल्फ पॉलिनेशन में व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, एंड व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन नेबरिंग फ्लावर इट इज कॉल्ड एज गैटनोगैमी। तो अभी इसमें हम लोग देखने वाले दो अलग अलग टर्म्स, इसमें टू टाइप्स होते हैं, इट कैन बी ऑटोगैमी और इट कैन बी गैटनोगैमी। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, पहला हम लोग देख रहे हैं विच इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, एंड सेकेंड हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज गैटनोगैमी। ऑटोगैमी और दूसरा क्या आएगा गैटनोगैमी। ऑटोगैमी वर्ड का मतलब क्या होगा, दिस पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस विद इन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे क्या होगा, इन द सेम फ्लावर, अपना डेफिनेशन सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, स्टार स्टार का मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस आएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये सेंटेंस आएगा, इसका मतलब क्या है स्टार, ये सेंटेंस का मतलब क्या है स्टार, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में रहेगा तो ऑटोगैमी है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पी पी मतलब हटाना इज द एग्जाम्पल। जब हम लोग गैटनोगैमी बोलेंगे ना, गैटनोगैमी वापस यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे, स्टार का मतलब क्या है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेबरिंग फ्लावर लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेबरिंग फ्लावर, नेबरिंग फ्लावर मतलब दूसरा फ्लावर रहेगा, नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, कुकुरबिट, क्या रहेगा एग्जाम्पल कुकुरबिट, एग्जाम्पल रहेगा कुकुरबिट। आई एम गिविंग योर टू मिनट्स का टाइम, प्लीज राइट इट दिस डाउन फर्स्ट। आपको मैं एक मिनट का टाइम देती हूँ, इसको लिख लो। पीपल आर फिनिश्ड राइटिंग दिस? यस मैम। यस मैम। ऑटोगैमी और गैटनोगैमी हो गया। ऑटोगैमी और गैटनोगैमी में डिफरेंस क्या है, सेम फ्लावर में रहेगा तो ऑटोगैमी, नेबरिंग फ्लावर में होगा तो क्या बोलेंगे उसको, गैटनोगैमी। अभी ना क्रॉस पॉलिनेशन में टाइप देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में इसी टाइप इन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? अभी क्रॉस पॉलिनेशन में वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज जेनोगैमी, क्या होगा जेनोगैमी विच इज कॉल्ड एज दिस जेनोगैमी, एंड द लास्ट वन आपने सुना है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हो उसको हाइब्रिडाइजेशन। जेनोगैमी बोलेंगे और दूसरा क्या बोलेंगे उसको, हाइब्रिडाइजेशन। सबको रीड करने हो रहा है जो मैं लिख रही हूँ बराबर से? यस मैम। होगा ही ना, इतना वर्स्ट राइटिंग आपका पढ़ा है तो आज तो अच्छा राइटिंग होगा, है ना नाज़रीन? स्टार का मीनिंग बताओ। मैम ठीक है, स्टार का मीनिंग बताओ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अभी यहाँ पे क्या होगा, ऑन
यहाँ पे होगा ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट सॉरी ऑन डिफरेंट प्लांट क्या आएगा ऑन डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज आएगा ऑन डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज प्लांट क्या रहेगा डिफरेंट प्लांट रहेगा बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज example is going to be papaya. papaya में क्या होता है मेल का झाड़ और फीमेल का झाड़ ही अलग अलग होता है एक झाड़ रहेगा वो मेल का झाड़ रहेगा एक झाड़ रहेगा फीमेल का झाड़ रहेगा तो उसमें पॉलिनेशन का और कैसा होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन के फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है डिफरेंट प्लांट में होता है डिफरेंट प्लांट नाउ बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज अभी हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा दो बार स्टार मारेंगे हम लोग ऑन डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज क्योंकि हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या होता है डिफरेंट प्लांट होता है बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज Now the example for this is Example for this is cotton. It is cotton. The example for this is cotton. Hybridization cotton के लिए किया जाता है. Hybridization is done for cotton. यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कॉटन यहाँ पे कॉटन एग्जाम्पल फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन इज इट क्लियर यस और नो यस मैम केतन सूर्यवंशी ने कुछ डाउट लिखा है लेट मी रीड क्या लिखा है मैम ईच फ्लावर हैव मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट केतन सूर्यवंशी माइक अनम्यूट करो अभी हर फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट नहीं होता अगर हम लोग बोलेंगे ध्यान से सुनो जो फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे जो फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल और कोई कोई प्लांट्स में क्या होगा फ्लावर खाली मेल फ्लावर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैमिनेट फ्लावर जिसमें खाली स्टेमेंस रहेंगे और वो पोलन ग्रेन्स बनाएगा स्टैमिनेट फ्लावर और कोई कोई फ्लावर में क्या होगा सिर्फ कार्पल्स होगा दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर स्टैमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर क्लियर है यस और नो सबका लिखी हो गया मैम यस मैम लिखे हो गया सबका यस मैम ये दिया हुआ है इन्होंने सबको दिख रहा है यहाँ पे यस मैम ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं ये लाइन लिखा आपने इट इज प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन क्यों बोला था बिकॉज बोथ दी मेल एंड फीमेल गैमेट क्या थे नॉन मोटाइल मेल फीमेल के पास नहीं चल सकती फीमेल मेल के पास नहीं चल सकता दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट कैसे थे बोथ दी मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल अभी सेल्फ पॉलिनेशन बताया मैंने क्रॉस पॉलिनेशन बताया इन्होंने इसको सिर्फ थ्री पार्ट में डिवाइड किया बच्चा लोग अगर आपने आंसर देखोगे ना दे हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट
इन्होंने खाली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। मैंने कितने पार्ट्स बताए आप लोगों को? मैंने आप लोगों को 4 पार्ट्स बताए, ये सुनो। उन्होंने पूरा पॉलिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। yes, एक बार रिवाइज कर लो। सिंगल फ्लावर होगा मतलब सेम फ्लावर, और टू फ्लावर और सिंगल प्लांट, प्लांट क्या रहेगा सेम। अभी इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग, इट इज रिजल्टिंग इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। ये इनब्रीडिंग या तो सेल्फिंग कर रहा है। इनब्रीडिंग और सेल्फिंग मतलब कोई न्यू कैरेक्टर नहीं आ रहा है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन हम जब भी बोलेंगे ना तो क्या हो रहा है, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, कैसा रहेगा, ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, कैसा होगा, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। They are further divided into 3 types. अभी 3 types होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब क्या सिखाया था मैंने, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, मतलब फ्लावर कैसा रहेगा बाइसेक्सुअल एंड इट इज बीइंग पॉलिनेटेड बाय पोलन ग्रेन, इसे पॉलिनेटेड है बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। ऑफस्प्रिंग्स कैसे रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, हाउ विल बी ऑफस्प्रिंग्स बी, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पे ये वर्ड क्या हुआ है ना, इट इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, तब वो कहाँ पे होता है, इट इज ऑकरिंग इन द सेम फ्लावर व्हिच मींस इट इज टेकिंग प्लेस कहाँ पे, इन द सेम फ्लावर। एंड जो ऑफस्प्रिंग्स न्यू प्रोड्यूस होंगे ना, हाउ विल दोज बी, दोज विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। Why are they going to be genetically identical? Why they will be genetically identical to their parents? Because वो same flower में हुआ। Example क्या दिया मैंने, तब दिया था यही same दिया था example मैंने, which is P vatana। आपको लगता है यहाँ पे external pollinating agents की जरूरत है, same घर में pollination हो रहा है same flower में, so do you think external pollinating agents are required? No. There is no requirement of external pollinating agent. मैं आपको दो वर्ड दिखा रही हूँ, वॉट इज क्लाइस्टोगैमस एंड वॉट इज कैस्मोगैमस, वॉट इज क्लाइस्टोगैमस और दूसरा वॉट इज कैस्मोगैमस। अभी मैं एक बहुत ही स्टूपिड सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको ध्यान से सुनो। अभी ऐसा याद रखेगा, कैस्मो मतलब चश्मा, कैस्मो मतलब चश्मा, चश्मा पहन के आंखें खुल गई मतलब ओपन हो गई। तो चैस्मोगैमस का मतलब क्या है, फ्लावर्स ओपन होते हैं, जब भी फ्लावर्स ओपन होते हैं टू एक्सपोज इट सेक्स ऑर्गन्स विच आर दी स्टेमेंस एंड कार्पल, दैट इज कॉल्ड एज चैस्मोगैमस। अभी चैस्मोगैमस ओपन है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर्स आर क्लोज, क्लाइस्टोगैमस मतलब फ्लावर्स कैसे क्लोज। तो चैस्मोगैमस के लिए क्या याद रखना है, चश्मा पहन के आंखें खुल गई, चश्मा पहन के क्या हो गया, आंखें खुल गई। सो चैस्मोगैमस मीन दी फ्लावर्स आर ओपन टू एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड एज चैस्मोगैमस। एंड क्लाइस्टोगैमस वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्लावर्स आर क्लोज्ड। अभी मुझे एक बात बताओ, ये क्लाइस्टोगैमस में फ्लावर्स आर क्लोज्ड तो क्या होगा, अगर फ्लावर क्लोज रहेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है, ऑटोगैमी करना ही है ना, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज है, तो अगर पॉलिनेशन का ट्रांसफर भी करना है तो कहाँ पे किया जाएगा, इन द सेम फ्लावर, इट विल बी डन कहाँ पे, इन द सेम फ्लावर। सबको क्लियर है क्लाइस्टोगैमस और चैस्मोगैमस, ये तो यस मैम। तो चैस्मोगैमस का मीनिंग लिख लो, ये क्लाइस्टोगैमस और चैस्मोगैमस का मीनिंग लिखो, फ्लावर्स ओपन टू एक्सपोज दिस सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज चैस्मोगैमस। चश्मा पहन के आंखें खुल गई, ऐसा याद रखना है चैस्मोगैमस। तो फ्लावर्स आर ओपन, फ्लावर्स क्लोज रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइस्टोगैमस। फ्लावर्स क्लोज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइस्टोगैमस।
अभी ये जो अपना टॉपिक है ना उसका क्या है नाम, अ कंडीशन दैट लीड्स टू फेवर सेल्फ पॉलिनेशन. मुझे एक बात बताओ कौन पहले बताएगा सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग. सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड का मीनिंग कोई तो एक जन बताइए. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथ्रेटी स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर. ओके नाज़रीन वेरी गुड. कोई और भी कुछ बोल रहा था. Somebody else was saying something. Bolo. Transfer of pollen grains from anthers stigma of same flowers or the neighboring flowers. But of the same plant. Okay, very good. Same plant rehna zaruri hai. Abhi hum log dekh rahe hain condition that leads to favor self pollination. Kaun sa condition hai which is going to favor self pollination? Sabko sab kuch samajh mein aa raha hai acche se? यस मैम यस मैम. चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है. ओके थैंक यू सो मच इतना जवाब दे रहे उसके लिए. सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना. बेसिकली हम लोग ये ऑटोगैमी के अंदर पढ़ रहे हैं. ये जो अभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ऑटोगैमी के अंदर. ऑटोगैमी वर्ड का मतलब क्या सुना हम लोग ने? That pollination is going to take place within the same flower. एक मिनट. अरे यार यहाँ पे ना इसका sensitivity बहुत ज़्यादा है ये pen का. I got it yesterday night and I could not configure it properly. तो आज कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें. देखो self pollination में मतलब यहाँ पे हम लोग basically बात कर रहे हैं autogamy. ऑटोगैमी वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑटोगैमी मतलब विद इन द सेम फ्लावर. विद इन द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में होगा लेकिन जो भी टेक प्लेस इन द सेम फ्लावर. अभी सेम फ्लावर में क्या क्या ऑप्शन है वो हम लोग देख रहे हैं. तो पहला ऑप्शन क्या है? होमोगैमी. सेकेंड क्लास्ट्रोगैमी और थर्ड आएगा चैस्मोगैमी. चैस्मोगैमस. सो मैं आप लोग को दो मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ. Nobody speaks anything, Nazreen. मैं आपको इंचार्ज बना रही हूँ. दो मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ. ओके मैम. आप सब लोग ये स्लाइड देखेंगे. ये स्लाइड पढ़ना है सब. ओके नाजरीन एवरीबॉडी वाज साइलेंट. यस मैम. कोई चैटिंग वैटिंग तो नहीं हो रहा था ना आपस में? नहीं मैम. ठीक है तो आप जानवी आप मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस होमोगैमी. मैम मैच्योर होने का मतलब क्या रहेगा इधर? इसका मतलब ये होगा कि गर्ल 18 हो गई और बॉय 21 फ्लावर में. जस्ट जोकिंग जस्ट किडिंग. मैच्योर होने का मतलब ये होगा कि एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन. एंड स्टिग्मा विल बी रिसेप्टिव. क्या वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर को ले सकेगा? इट विल बी एबल टू रिसीव दी पोलन ग्रेन. वो रिसीव कर सकेगा पोलन ग्रेन. ओके चलो मैं ये एक्सप्लेन करवाती हूँ. होमोगैमी एंड ये क्लास्ट्रोगैमी चैस्मोगैमी क्लियर है सबको ना? यस मैम. ओके सो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ. होमोगैमी मतलब क्या होगा? होमोगैमी वर्ड का मतलब होगा दिस एंथर इज मैच्योर इनफ. दिस एंथर इज मैच्योर इनफ एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर पोलन ग्रेन्स. ये एंथर मैच्योर इनफ रहेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन्स. एंड ये जो एंथर मैच्योर हो रहा है मतलब इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. Whereas, जब हम लोग ये स्टिग्मा बोलेंगे स्टिग्मा इज गोइंग टू बिकम रिसेप्टिव. स्टिग्मा विल बी रिसेप्टिव मींस इट इज एबल टू रिसीव द पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन चलेगा उसको. इट इज गोइंग टू अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. दैट इज कॉल्ड एज होमोगैमी. होमो वर्ड का मतलब क्या है? होमो मतलब सेम. दे आर मेच्योरिंग एट द सेम टाइम. ये वर्ड बहुत जरूरी है.
anther, which is the male part, and stigma, which is the female part of a flower. हमारा चैप्टर फ्लावर का है, प्लीज रिमेम्बर. हाँ बोलो मत. फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा दे आर मैच्योरिंग कहाँ पे? एट द सेम टाइम. क्लाइस्टोगैमी और चैस्मोगैमी में क्या डिफरेंस पढ़ा था हमने? मैंने एक सिंपल टेक्निक बताया था, जे पावर काइंडली अनम्यूट एंड स्पीक. क्लाइस्टोगैमी और चैस्मोगैमी में क्या डिफरेंस बताया था? क्लाइस्टोगैमी में मैम फ्लावर क्लोज रहता है और क्लाइस्टोगैमी में फ्लावर क्लोज रहता है एंड चैस्मोगैमी में फ्लावर ओपन रहता है. ओके परफेक्ट आंसर, थैंक यू जय पवार. सो यहाँ पे ये था दैट वी हैव दिस क्लाइस्टोगैमी. क्लाइस्टोगैमी मीन्स दी फ्लावर्स आर क्लोज, सो इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का ओपनिंग नहीं हुआ है, सो फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स है ना, जैसे अंडरग्राउंड फ्लावर्स, एग्जाम्पल दिया कॉमेलिना बेंगालेंसिस. कॉमेलिना बेंगालेंसिस इज द एग्जाम्पल. उनमें क्या होता है, दे हैव गॉट अंडरग्राउंड फ्लावर्स विच आर नेवर ओपन, मीन्स द फ्लावर्स रिमेन क्लोज. फ्लावर्स रिमेन क्लोज. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू शो यू अबाउट दिस कॉमेलिना एग्जाम्पल, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, बिकॉज दिस इज सच ए यूनिक प्लांट. इट इज प्रोड्यूसिंग बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स. Chasmogamous means the flowers which open and Cleistogamous means the flowers which are closed. So it is able to produce both the kinds of flowers, Chasmogamous and Cleistogamous. Please look at the screen, main iska picture dikha rahi hu aapko. Cleistogamous or Chasmogamous ka. This Comelina plant is going to produce both. This producing both the kinds of flowers, Cleistogamous as well as Chasmogamous. आपको इमेज आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है? इसमें आपको दिखाई देगा ओपन वाले फ्लावर्स भी और क्लोज वाले भी है. ये देखो इसका पहले Cleistogamous देखो. अब ये दिख रहा है ये वाले क्लोज है, आपको दिखाई देगा. रुको ये छुप रहा है, मुझे दिख रहा है. दिस इज क्लोज कंडीशन. चैस्मोगैमस फ्लावर्स है ए वाले. शुड आई यू वांट मी टू वेट, आई विल पेस्ट दिस इमेज इन द पावर पॉइंट स्लाइड ओनली बेटर. तो आप लोगों को मैं जूम करके दिखा सकती हूँ. ओके आप लोग को मोबाइल जूम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो चैस्मोगैमस है, ए वाला फ्लावर दिख रहा है, दिस इज अबाउट ग्राउंड चैस्मोगैमस, विच मीन्स दी फ्लावर्स आर ओपन. बी वाला फ्लावर दिख रहा है, दैट इज क्लाइस्टोगैमस. क्लाइस्टोगैमस मतलब वो कैसा है, अंडरग्राउंड है. सेकेंड वाला बी वाला दो फ्लावर्स आर क्लोज और उसका सीड पॉड फॉर्म हुआ है अंडरग्राउंड आफ्टर ऑटोगैमी. क्लियर है ये सब वर्ड? यस मैम. ओके वेरी नाइस. सो दिस इज कॉमेलिना बेंगालेंसिस. ठीक है नाउ वी मूव टू गैटनोगैमी. आई वॉन्ट समबड़ी सना बेटा माइक अनम्यूट करो और बताओ वट वॉज गैटनोगैमी. गैटनोगैमी का मीनिंग नेबरिंग फ्लावर्स ऑफ अ सेम प्लांट. नेबरिंग नेबरिंग बाजू वाला, बाजू वाले के घर में जाके पॉलिनेशन किया ऐसा है, बाजू वाले फ्लावर में. बट उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा पॉइंट याद रखना है? इट इज गोइंग टू बी ऑन द सेम, इट इज गोइंग टू बी ऑन द सेम. सेम क्या होने वाला है उसमें? सेम प्लांट. इट इज गोइंग टू बी ऑन द सेम प्लांट. यश पवार गैटनोगैमी का आप डेफिनेशन बोलिए. गैटनोगैमी का
transfer of pollen grain from anther to stigma on the neighboring flower of the same plant. Very nice, excellent. दिखा हुआ था ना, देख के बोला ना, है ना? यश पवार मैम, बिना देख के बोला? यस मैम. तो यू नो योर बैक, पैट योर बैक, ऐसे शाबाशी दे अपने आप को. अच्छा बोला तुमने. ठीक है, ठीक है. एटनोगैमी, विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस. दिस इज ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन. कहाँ पे होगा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट फ्लावर. किधर होगा? ऑन अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन अ सेम प्लांट. किधर प्रोड्यूस होना चाहिए? ऑन द सेम प्लांट. डिफरेंट फ्लावर होगा बट इट इज प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट. सो दैट इज गुड टू बी ऑन डिफरेंट फ्लावर बट इट इज प्रोड्यूस कहाँ पे? ऑन द सेम प्लांट. प्लांट जैसे रहेगा, सेम रहेगा. नाउ इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों क्रॉस पॉलिनेशन है? क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर में जाने के लिए भी वी रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स बट इट इज नॉट सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज अच्छा, इसमें ना एक चीज मुझे समझाने दो. ये ना इसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, ये पेन का मेरे को. मैं आपको ये बता रही थी, फर्स्ट आप ये सुन रहे हो, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी. क्यों ऑटोगैमी? क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम दी सेम प्लांट. Because the pollen grains are coming from the same plant, so it is similar to autogamy. Why it is similar to cross pollination? Cross pollination को क्यों similar है? Because यहाँ पे pollinating agents चाहिए जो pollination करेंगे. We require pollinating agents which are going to bring about pollination. Because different flower है ना, different flower of the same plant. यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे. देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑफ द सेम प्लांट. ये दोनों को भी सिमिलर है. इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बिकॉज पोलन ग्रेन सेम फ्लावर में से आ रहा है. इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज यहाँ पे क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए. वी रिक्वायर द नीड ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. यस और नो? और एग्जाम्पल क्या है इसका? कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. मैंने आपको कुकुरबिट्टा एग्जाम्पल लिखवाया था ना, कुकुरबिट्टा. इसका एग्जाम्पल कौन है? कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. सो इसमें आपको पढ़ना क्या है? यू हैव टू स्टडी द डेफिनेशन. जो डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट प्लांट. सॉरी, ऑन अ नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. नेबरिंग फ्लावर रहेगा किसका? ऑफ द सेम प्लांट. इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज यर नेबरिंग फ्लावर में जाने के लिए वॉट वी रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड. बट देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज ऑन द सेम प्लांट. जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा बिकॉज इट इज ऑन द सेम प्लांट. ये कैसे सिमिलर है टू ऑटोगैमी? ऑटोगैमी को कैसे सिमिलर है? बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट. इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट. और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. इसने मुझे पूछा था इसका कॉमन नेम क्या है. इसका कॉमन नेम नहीं पता बट ये ना ऐसे लोटस स्टेम की तरह दिखता है. इसको ऐसे कट करेंगे ना तो ऐसा शेप होता है उसका. अपन इंडिया में तो नहीं खाते इसको, ऐसे होल पे रहते हैं इसमें. लोटस स्टेम नहीं है कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. दिखाती हूँ मैं आपको कुकुरबिट्टा मैक्सिमा क्या है. कुकुरबिट्टा मैक्सिमा क्या है वो दिखा रही हूँ आपको. किसने पूछा था मुझे कुकुरबिट्टा मैक्सिमा के बारे में? जानवी ने पूछा था शायद. ये है कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. अपना भोपले को बोला है उन्होंने. नहीं बट इसके स्टेम के बारे में मैं बता रही थी. ये जो तुम्हारा फेवरेट भाजी है ना कद्दू, दैट इज कुकुरबिट्टा मैक्सिमा. आपने उसका कॉमन नेम पूछा था ना, तो पंपकिन है कॉमन नेम. मैंने आपको कुकुरबिट्स लिखवाया था ना एग्जाम्पल. कुकुरबिट्स? यस मैम. सेम है, ये पूरा खानदान है इनका. ये पूरा कुकुरबिट फैमिली है.
इसमें भोपला आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये जो अपना बॉटल गॉर्ड है, लौकी आ रहा है, तो वो तोरई आ रही है, वाटरमेलन आ रहा है, करेला भी आ रहा है। ओ हाँ यार करेला भी आ रहा है, पूरा कुकुरबिट खानदान है। बाप रे 965 स्पीशीज है इसमें, ये पूरा मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स विच मे बी योर फेवरेट। सो इन लोग में क्या हो रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है, मस्क मेलन भी आ रहा है, वाटरमेलन मस्क मेलन, तो कुकुरबिटा खानदान का है। अच्छा ही हुआ देखा, थैंक यू नाजरीन, थैंक यू जानवी, आपने पूछा था ना इसके बारे में, मैं नेक्स्ट पे चलूं प्लीज। ये हैंड रिटन नोट्स है इसके लिए। नाउ जेनोगैमी के बारे में मैंने क्या बताया था, जेनोगैमी के बारे में नाजरीन आपने क्या, हु आर कॉलिंग ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, नहीं क्या बोल रहे हो आप, रुको रुको रुको, नाजरीन आपने इमोजी क्या भेजा था वो तो बताओ मुझे, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बॉक्स बॉक्स आया है। नो मैम आई सी, क्या डर वो रहा आपने बोला ना पूरा खानदान है। हाँ मतलब वही भोपले का पूरा खानदान है कुकुर बीच में, सब मेलन आ रहा है, वाटर मेलन मस्क मेलन वाटर गॉड माइली वाला, अच्छा माइली वाला डाला था। सुमित पाल ने क्वेश्चन पूछा है, हु आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन गैटनोगैमी, हु आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन गैटनोगैमी, कौन बताएगा। अभी बाजू वाले नेबरिंग फ्लावर में लेके जाना है, तो कौन कह सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट, इट कैन बी हवा, हवा मतलब विंड, विंड हो सकता है, अभी डिपेंड करता है ना वो पोलन ग्रेन स्मूद है या स्पाइनी, स्मूथ रहेगा तो क्या बोलेंगे इट विल बी विंड, स्पाइनी रहेगा तो इंसेक्ट या तो बर्ड्स। ठीक है सुमित पाल, यस और नो, इट कैन बी विंड, इट कैन बी इंसेक्ट और इट कैन बी बर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, और अलग अलग प्लांट का अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम। जेनोगैमी और आउटब्रीडिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये जेनोगैमी अगर स्टार्ट किया तो मुझे इसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी पढ़ाने पड़ेंगे। ओके जेनोगैमी वर्ड का मीनिंग क्या था, इट इज ऑफ दी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज रहेगा। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने इसका, ओके थैंक यू पपाया, और इसका रीजन क्या था, क्यों वो डिफरेंट प्लांट पे जा रहा था, व्हाट वाज द रीजन, मैंने ये भी पढ़ाते हुए बोला था व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज मैम पपाया एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, अलग अलग एजेंट डिफरेंट। बेटा बेटा उसके लिए वर्ड है, उसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड है, पपाया इज प्रोड्यूसिंग डायोशियस, पपाया इज अ डायोशियस प्लांट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज अ डायोशियस प्लांट। डायोशियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट। तो पपाया इज अ डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट मेल और फीमेल फ्लावर्स में अलग अलग है, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल प्लांट अलग है फीमेल प्लांट अलग है, तो दैट इज वाई हम लोग बोलेंगे वो क्या है डायोशियस है, व्हाट इज इट डायोशियस, क्लियर है, यस और नो। यस मैम। हेलो मैम। यस बेटा। मैम यूनिसेक्सुअल क्या रहता है, यूनिसेक्सुअल आइदर मेल और फीमेल, खाली मेल रहेगा या तो फीमेल, अब जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल है, आई एम यूनिसेक्सुअल फीमेल, इसने डाउट पूछा था, नाम क्या आपका, जानवी, जानवी आप भी यूनिसेक्सुअल फीमेल हो, जय क्या है यूनिसेक्सुअल मेल, डायोशियस, अच्छा ये डायोशियस और मोनोविशियस ये अलग कॉन्सेप्ट है, डायोशियस मोनोविशियस अलग कॉन्सेप्ट है, ये यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल अलग कॉन्सेप्ट है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या रहेगा, खाली
आइदर मेल और फीमेल विल बी यूनिसेक्सुअल और दोनों भी सेम में रहेगा ना, सेम ऑर्गेनिज्म में, मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेम ऑर्गेनिज्म में रहेगा, उसको बायसेक्सुअल बोलते हैं और हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। जैसे बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट अपना अर्थवर्म था, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अर्थवर्म वाज बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, बिकॉज उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम अर्थवर्म में थे, अर्थवर्म इज बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। उनमें डायशेस में डिफरेंस है वो अलग है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलो वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो नेक्स्ट टाइम भी। ओके एवरीबॉडी, आप लोग okay. चलो हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी संडे, टेक केयर ऑल, बाय। थैंक यू मैम, बाय। हेलो मैम, बाय डियर, बाय। यस बेटा। मैम नोट्स कब भेजने वाले थे आप? वेरी हाँ, मुझे बताया कल ही, वो 12th नीट वाले बच्चों ने भी बोला आपने भेजा नहीं। यू विल गेट इट टुडे, आई विल मेक श्योर, आई विल ट्राई एंड आई विल सेंड दी नोट्स टुडे, श्योर। वंस आई शट डाउन माय लैपटॉप ना, देन आई एम वेरी लेजी टू ऑन इट, सो डिले हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। गिरजा नोट्स मैं सेंड करती हूँ, ठीक है गिरजा? ओके मैम, थैंक यू। यस डियर, बाय ऑल।